दोस्तों हमारे पड़ोसी देश चीन में गांव है जिसका नाम है जिसिकियाओ। इस गांव का नाम जितना अजीबोगरीब है उससे भी अजीबोगरीब वहां के लोग हैं। इस गांव के लोगों ने सांपों की खेती करके इतना पैसा कमाया है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आज से लगभग 40 साल पहले वहां के एक शख्स ने सांपों के फार्म की शुरुआत की और उसका मकसद था सांपों के जहर को दवाई बनाने वाली कंपनी तक पहुंचाना और सांपों के मांस को चीन में ऐसे लोगों तक भेजना जिन्हें सांप का मांस खाना बेहद पसंद है। और देखते ही देखते पूरे गांव ने उस आदमी से सीख कर अपने गांव में सांप पालना सीख लिया। आज के वक्त में उस गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं लेकिन उस गांव में हर साल 30 लाख से ज्यादा सांपों को पैदा किया जाता है और उसे पाल पोस कर बड़ा करने के बाद दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन आपके मन में सवाल जरूर होगा, इतने अधिक मात्रा में हर सांप का आखिर होता क्या है? दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि सांप का इस्तेमाल चीन में कई तरह से होता है। उनमें से जो सबसे मुख्य है वो है चीन के अजीबोगरीब खाने के शौकीन लोग। ये तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन के लोग क्या क्या खा जाते हैं। शायद दुनिया का ऐसा कोई जानवर है जिसे चीन में रहने वाले लोग ना खाते हों और उन्हीं में से एक जहरीला है सांप। चीन के लोगों को सांप का मांस बड़ा पसंद है। आप वहां के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहां आपको बड़ी आसानी से सांप का मांस खाने को मिल जाएगा। चीन के इस गांव में जितने भी सांप पैदा होते हैं उनमें से अधिकतर के शरीर को चीन के और दुनिया भर के रेस्टोरेंट में खाने के लिए भेज दिया जाता है। वहां पर सांप का मांस इतनी ही आसानी से मिल जाता है जैसे हमारे भारत में चिकन और मछली। अब बात आती है दूसरे सबसे बड़े कारण की, जिसे जानने के बाद आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे कि चीन के इस गांव के लोग इतना खतरा क्यों मोल लेते हैं। यहाँ के लोग सांपों को इतनी बड़ी संख्या में पालकर अपनी जान की जोखिम क्यों लेते हैं? क्योंकि सांप के अंदर एक बहुत ही खतरनाक जहर पाया जाता है जो इंसानों के लिए बड़ा उपयोगी है। आपको बता दें 1 लीटर खतरनाक जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। यानी कि जिस सांप के जहर से दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है उसी सांप के जहर की कीमत करोड़ों में होती है। ये सोने चांदी से भी कई गुना महंगा होता है। सांप के जहर का इस्तेमाल फार्मा कंपनी दवाइयां बनाने के लिए करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप के जहर का इस्तेमाल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की दवाई बनाने में किया जाता है।